आइए हम एक अन्य उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। वह उदाहरण इस प्रकार है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रश्न में एक ऐसी स्थिति की का वर्णन किया गया है कि मान लीजिए कि आपको एक मुलाकात पे जाना है और उस मुलाकात का कोई समय है। यदि आप मुलाकात के समय से 10 मिनट जल्दी पहुंचते हैं तो आप पर CS इकाई का दंड लगेगा, और अगर आप 10 मिनट देर से पहुंचते हैं तो आपको KS इकाई का दंड लगेगा। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो आपसे यह भी कहा गया है कि मान लीजिए कि आपके वर्तमान स्थिति से मुलाकात के स्थान तक जाने की यात्रा में लगने वाला समय एक सतत यादृच्छिक चर है, मतलब वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आंग्ल भाषा में, या सतत यादृच्छिक चर है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, तो जिसका कि प्रायिकता घनत्व फलन एफ से निर्दिष्ट किया हुआ है, मतलब उसका प्रायिकता घनत्व फलन हमें पता है वो एक यादृच्छिक संख्या है जाने में लगने वाला समय, और उसका हमें प्रायिकता घनत्व फलन मालूम है। तब यह ज्ञात कीजिए, असली प्रश्न में कहकर यह है कि तब यह ज्ञात कीजिए कि आप मुलाकात के लिए या उस साक्षात्कार के लिए कब रवाना होना चाहिए, आपको कब होना चाहिए अगर आप अपने औसत दंड को न्यूनतम रखना चाहते हैं। जैसा कि आप प्रश्न को पढ़ के समझ गए होंगे, ये ऐसी एक कल्पना करिए कि जहां आप साक्षात के लिए जाना चाहते हैं आपको कुछ समय लगेगा, वह समय हर बार परिस्थिति के अनुसार आपके यात्रा में कितने भीड़ है या क्या कैसा आपका है आपको अलग अलग समय लगेगा, लेकिन अगर जो इच्छित समय है साक्षात्कार का निर्दिष्ट समय है अगर उससे पहले पहुंचते हैं तो आपको कितना पहले पहुंचते हैं उसके हिसाब से दंड देना पड़ेगा। यहाँ पे एस मिनट के रूप में दिया है समय को, तो अगर आप एस मिनट पहले पहुंचते हैं तो आपको CS का दंड देना पड़ेगा, अगर आप एस मिनट लेट पहुंचते हैं आपको तो KS, जहाँ पे सी और के कुछ स्थिरांक हैं जो कि आप अपने समस्या के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। तो हमें औसत दंड, चूँकि यह एक यादृच्छिक है, हर बार आप जब जाएंगे समय जो लगेगा यात्रा में वो यादृच्छिक होगा, तो हो सकता है आप पहले पहुँचें या कभी देर पहुँचें, तो आपके लिए अलग अलग दंड होंगे। अगर आप ऐसे बहुत सारे प्रयासों को देखें और आप चाहते हैं कि आपका औसत उस वो भी एक यादृच्छिक चर होगा, उस यादृच्छिक चर का औसत कम से कम हो, तभी आपका औसत दंड कम होगा। तो यह एक थोड़ा क्लिष्ट प्रश्न है पूर्व के प्रश्नों की तुलना में। आइए देखें कि हम इस प्रश्न को कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में कि हमको यह मानना पड़ेगा इस प्रश्न में कि एक्स वो यादृच्छिक चर है जो यात्रा के समय को मिनट में व्यक्त करके, क्योंकि प्रश्न में मिनट में दंड की व्याख्या की गई है, तो मान लीजिए कि एक्स एक यादृच्छिक चर है जो दर्शाता है यात्रा में लगने वाला समय। हर बार जब आप साक्षात के लिए जाते हैं तो आपके वर्तमान की स्थिति से यात्रा आपके साक्षात के स्थान में जाने लगने वाला समय मिनट में व्यक्त है, और यदि आप मुलाकात के समय से टी मिनट पहले निकलते हैं, यहाँ टी भी एक चर है, टी मिनट पहले निकलते हैं तो आपका दंड कितना होगा उसकी व्याख्या हम अगर हम उसको निर्दिष्ट करें CTX, जहाँ एक्स इस यात्रा में लगने वाला यादृच्छिक चर है, टी हम बता रहे हैं कि टी मिनट पहले हम साक्षात्कार के निर्दिष्ट समय से पहले निकले हैं, ये हमने मान लिया है, क्योंकि साक्षात के पहले ही आप निकलेंगे, अगर आप बाद में निकलेंगे तो आप एक ही तरह के दंड के भागी होंगे जो कि देर के पहुंचने वाले, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कभी हम जल्दी या कभी देर हो, तो हम जानबूझ के किसी एक तरह का दंड भोगना चाहेंगे, हम दंड को कम करना चाहते हैं, जबकि हमारा प्रयास है कि दंड शून्य हो जाए, तो वो शून्य तभी होगा जो भी साक्षात का समय हर बार हम उसी समय पर पहुँचें तो हमारा दंड शून्य हो जाएगा, चूँकि हम बिल्कुल साक्षात का समय पर निकलेंगे, ना देर ना जल्दी। तो ये तो एक वेरी विषय, लेकिन औसतन हम कभी लेट या कभी देर या कभी जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए हमारा कुछ न कुछ दंड हमारे पे, उस दंड को हम न्यूनतम करना चाह रहे हैं। तो आइए उस दंड की व्याख्या करें जो कि आप समझ सकते हैं। एक्स यात्रा में लगने वाला समय है, अगर यात्रा में लगने वाला समय टी जितना पहले आप मुलाकात के जाते हैं से छोटा है या बराबर है तो आपका दंड होगा सी, जो कि जल्दी पहुंचने का दंड सी है, और कितना जल्दी पहुंच रहे हैं आप, टी ऋण एक्स, तो या तो ये शून्य होगा या कुछ होगा धनात्मक, जो कि गुणित करने पे सी से हमें कुल दंड मिलेगा उस प्रयास में। और इसी तरह अगर एक्स का मान टी से बड़ा होता है
तो हमें दंड मिलेगा। कितना हम देर से पहुंचते हैं उसका मान एक्स, ऋण पी से निकालेंगे और उसको के से गुणित कर देंगे। के जो है वह प्रति मिनट मिलने वाला दंड है जो कि इस प्रश्न में उद्धृत है। तो यह तो हो गया दंड की व्याख्या। अब हमको यह दिया है कि हमें इस दंड को न्यूनतम करना है। तो न्यूनतम करना है तो मतलब इसके औसत को, तो पहले इस दंड का औसत निकालें। तो इस दंड के औसत को इस तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम टी हम पहले निकालते हैं, तो टी तो एक स्थिरांक की है, टी तो हमारे है। अभी इसमें जो यादृच्छिकता है वो है कि यात्रा में लगने वाला समय एक्स। तो हमको पता है कि यात्रा में लगने वाला समय एक यादृच्छिक चर है, सतत यादृच्छिक चर है, जिसका कि प्रायिकतर द्रव्यमान फलन एफ के रूप में हमें इंगित ही है इस प्रश्न में। तो आइए इसका इस्तेमाल करते हुए हम इस औसत दंड की व्याख्या इस प्रकार करें। तो औसत दंड क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ पिछले उदाहरण से संबंधित है, क्योंकि अभी ये आप देख सकते हैं औसत दंड एक होता है फलन किसी यादृच्छिक चर का। आप देख सकते हैं कि जो औसत दंड निकाला है वह यादृच्छिक चर का एक फलन है। तो इस फलन के औसत मान को हम उस फलन का मान यादृच्छिक चर के जो भी मान लेता है, यहाँ पे मान हमारा क्या लेगा, यह मान यह होगा कि शून्य से लेकर अनंत तक हो सकता है। तो इसको हम इसके प्रायिकता द्रव्यमान फलन से गुणित करके इसको समाकलित करेंगे इस सीमा में शून्य से अनंत तक, यही सारी संभावनाएँ हैं। और इसका मान हम जो हमारा संबंध है, जो हमारा दंड है, दंड की व्याख्या हमने करी है दो दशाओं में, जबकि हमारा यात्रा में लगने वाला समय हमारे पहले निकले हुए समय से छोटा या बड़ा होता है। तो इसी को करते हुए हम इसको इन दो अलग समाकलन में तोड़ सकते हैं। एक है शून्य से टी, टी जो है जितना पहले हम साक्षात करके निकले थे, और टी से अनंत तक। तो यह दोनों आप देख सकते हैं कि एक भाग में पहली दशा लगेगी और दूसरे भाग में, इस समय के दूसरे भाग में टी से अंत तक में यह दूसरा भाग जो दंड का दूसरी व्याख्या है वो इस्तेमाल होगी। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम इस समाकलन को कर सकते हैं और छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। जो इस फलन में, चूँकि ये दो फलनों के ऋणात्मक का फलन है, तो इन्हें दोनों दोनों फलनों में, छोटे छोटे फलनों में तोड़ सकते हैं, आपके सामने ही है। तो आप देख सकते हैं कि इस औसत दंड को हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। मुझे ऐसा आशा है कि आपने यह समझा होगा कि इस प्रश्न में दंड की गणना कैसे करेंगे, और चूंकि यात्रा का समय एक यादृच्छिक है तो उसको औसत मान को हम कैसे गणना करेंगे। आइए अभी हम देखें कि इसको हम न्यूनतम कैसे करेंगे। तो पूर्व पटल में जो हमने निकाला है औसत दंड का मान, उसको मैंने पुनः लिख दिया है जिसमें कि हमारे को देखने में आसानी रहे। तो अब हम इसमें इस औसत दंड को न्यूनतम करना चाहते हैं। तो आपने ज्ञात ही होगा कि किसी फलन का न्यूनतम मान निकालने के लिए उस फलन में जो चर हैं उसके सापेक्ष अवकलन करके उस अवकलन का मान शून्य के बराबर रख के हम निकाल सकते हैं कि वह क्या दशा होगी जब वह फलन का मान जो है न्यूनतम होगा। तो आप किसी भी फलन के महत्तम और न्यूनतम मान का निकालने से परिचित ही हैं। तो आइए इस औसत दंड को अवकलित करें सापेक्ष जो है यहाँ पे टी के, क्योंकि टी ही वह समय है, चर है जो हमने लिया है, हम कितने पहले साक्षात्कार के लिए निकलते हैं, जो हमारे हाथ में है, जिसको कि हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर हम ऊपर दिए हुए विस्तृत फलन जो औसत दंड का फलन है उसको अगर हम टी से अवकलित करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह पहला जो इसका भाग है इस फलन का, वह दो तरह से टी का फलन है। एक तो टी स्वयं है यहाँ पे, और एक है समाकलन टी के संबंध में। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को अवकलन करने पे हमें ये दो पद प्राप्त हो जाएंगे। यह बहुत आसान है। अगर आप पहले फलन के पहले टी को अगर अवकलित करेंगे तो टी का अवकलन टी के सापेक्ष का मान इकाई होगा, तो वह मान हो जाएगा आपका सी। और आप अवकलन देख सकते हैं, अवकलन जो है वो समाकलन है, वो किसी भी घनत्व फलन का समाकलन अगर शून्य से टी होगा तो वो बराबर होता है उसके संचयी वितरण फलन के। तो हमने संचयी वितरण फलन लिख दिया एफ टी। अगर हम इसको टी के दूसरे पद के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा सी टी। और आप जानते ही हैं
कि यह है अगर वितरण फलन है तो उसका अगर हम अवकलन करते हैं उसके सापेक्ष तो हमें फलन प्राप्त होगा, इसलिए उसका मान एफ टी आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बाकी सारे पदों को भी हमने इसी प्रकार अवकलित किया है जो कि आपके समक्ष हैं। अब देख सकते हैं कुछ फलन एक दूसरे को के ऋणात्मक हैं तो वह ख़त्म हो जाएंगे और हम इस दशा में एक इस संकुचित पद पे मिल जाएगा जिसका कि मान के धन सी गुणित हमारा संचयी प्रायिकता वितरण फलन ऋण के यहाँ पर एक तरह की एक दंड है, दंड के की इकाई है। तो इस अवकलन का मान शून्य करके यह दिखा सकते हैं कि न्यूनतम दंड प्राप्त होगा जब हम शुरुआत करते हैं, रवाना होते हैं मुलाकात के लिए एक विशेष समय जिसको कि हमने टी सितारा या टी स्टार से इंगित किया है, और वह संतुष्ट करता है, वह विशिष्ट समय संतुष्ट करता है कि संचयी प्रायिकता विस्तरण फलन का मान होता है के भागा के धन सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ टी का मान नहीं है, ये एक संचयी विस्तरण फलन का मान है, ये के भाग। आइए इसकी कुछ और व्याख्या करते हैं। वो व्याख्या इस प्रकार है, मान लीजिए कि अगर यह बताया जाए कि अगर आप जल्दी पहुँचते हैं का दंड बहुत ज़्यादा है आपके देर पहुँचने से, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर सी का मान कैसे बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए तो इस दशा में आप देख सकते हैं कि यह दाईं तरफ का जो अनुपात दिया है उसका मान लगभग शून्य की ओर हो जाएगा। मतलब अगर हम वो सारे समय का वितरण देखें जब हम साक्षात्कार के पहले जाना चाहते हैं, तो हम साक्षात्कार में कभी भी पहले जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमको पता ही है कि साक्षात्कार में अगर जल्दी पहुंचने का दंड बहुत ज़्यादा है तो हम साक्षात्कार में हमेशा देर से ही पहुंचना चाहेंगे, तभी हम अपने औसत दंड को कम रखना चाहेंगे। दूसरी दशा यह है कि मान लीजिए कि देर से पहुंचने का दंड बहुत ज़्यादा है जल्दी पहुंचने के, मतलब यहाँ पर के का मान सी से बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि यह अनुपात लगभग एक की ओर चला जाएगा। तो आप बता रहे हैं संचयी द्रव्यमान फलन का मान जब एक हो तो मतलब वह सारी संभावनाएं जो कि आपको जल्दी साक्षात्कार जल्दी उनमें से वह जिसमें कि वह सारी संभावनाएं हो जाएं, मतलब आप बहुत ही जल्दी जाना चाहेंगे, आप कभी भी देर नहीं करना चाहेंगे साक्षात्कार के समय पहुँचे, क्योंकि उसकी दंड बहुत ज़्यादा है। तो यह तो हो गई दो विशिष्ट सीमाओं की वर्णन। मान लीजिए कि यह दोनों दंड बराबर हैं, सी का मान के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि यह दंड न्यूनतम तब होगा जब एफ टी का मान 1/2 होगा। तो आप सोचिए कि वह सारे संभावनाओं टी की जिसमें कि उसका संचयी वितरण फलन का मान 1/2 हो, मतलब वह लगभग उस वितरण के मीडियन को इंगित करेगी। तो आप मीडियन अगर समय से चलेंगे तो आपकी औसत दंड न्यूनतम रहेगा जब दोनों दंड समान रूप से हैं। तो आशा है कि आपने इस प्रश्न में सारी दशाओं के वर्णन से समझा होगा कि यहाँ पे प्रायिकता कैसे निकाली जा सकती है और प्रश्न में क्या क्या विशिष्ट दशाएं छुपी हुई हैं।